वेलकम टू मिनट साइंस, एक वीडियो सीरीज जिसमें मैं आपको एक छोटे से साइंस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ एक या दो मिनट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बारिश से पहले या फिर बारिश के बादल हमें काले क्यों दिखाई देते हैं। जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें आसमान नीला और नॉर्मली बादल हमें सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होने वाली होती है तब बादल हमें काले रंग के दिखाई देते हैं और आसमान भी हमें थोड़ा थोड़ा काले रंग का दिखाई देने लगता है। और अगर हमें ये पता करना होता है कि कहीं पे बारिश होने वाली है तो हम आसमान को देखते हैं, और अगर हमें आसमान में बादल थोड़े से काले रंग के दिखाई देते हैं या फिर थोड़ा सा आसमान काले रंग का दिखाई देता है तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वहाँ पे बारिश होने वाली है। पर क्या आपको पता है कि बारिश से पहले बादल काले रंग के क्यों दिखाई देते हैं? मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं द लॉजिकल टॉक। तो शुरू करते हैं। तो जो नॉर्मल बादल होते हैं जो हमें सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं वो बादल पतले होते हैं, मतलब उनका जो साइज होता है वो छोटा होता है। और जो बारिश के बादल होते हैं जो हमें काले रंग के दिखाई देते हैं उन बादलों का साइज बड़ा होता है और वो बादल काफ़ी मोटे होते हैं। तो होता क्या है, जब सनलाइट पतले बादलों पर पड़ती है, जो बादल छोटे हैं तो उसमें जो बादल के अंदर जो पानी के छोटे छोटे बूंदे हैं वो सारी बूंदे सन की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं हमारी आंखों को। और कोई भी चीज़ हमें दिखती ही इसीलिए है क्योंकि उससे लाइट हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है। और अगर आपको हमारी आंखों के बारे में अच्छे से जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब सनलाइट नॉर्मल बादलों पर पड़ती है जो हमें सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं, तब बादल के पतले होने के कारण, बादल के छोटे होने के कारण सनलाइट पूरी तरह से स्कैटर हो जाती है एटमॉस्फेयर में और पूरी सनलाइट हमारी आंखों पास आ जाती है, जिससे वो बादल हमें सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, जो बारिश के बादल होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं और साइज में बड़े होते हैं। तो जब सनलाइट उन बादलों के ऊपर पड़ती है तो उन बादलों के जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन उन बादलों के जो नीचे वाले हिस्से होते हैं वो सनलाइट पाते ही नहीं है जिससे वो हमारी आंखों तक उसे रिफ्लेक्ट कर सके, जिससे सनलाइट एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो सके। तो जो बारिश के बादल होते हैं वो हमें इसी कारण से काले रंग के दिखाई देते हैं, क्योंकि वो किसी भी लाइट को हमारी आंखों के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। अगर आपको जानना है कि क्या होता अगर हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन दुगनी हो जाए, मतलब जितनी ऑक्सीजन है उसे दो गुना हो जाए, तो आप इस वीडियो को देखें। और अगर आपको जानना है कि एरोप्लेन्स को हमेशा बादलों के ऊपर ही क्यों उड़ाया जाता है तो आप इस वीडियो को देखें। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।